हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मादानी आज आपको पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम। काफी आगे तक हमारा कंप्लीट हो गया है, मींस ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने आई है और ये इस चैप्टर का लास्ट सम है। तो देखते हैं इस सम को कैसे सॉल्व करना है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. And if she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the speed of the bus. बहुत ही सिंपल और इजी सम है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्या बोला है? फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द बस। पहले तो उसी को कंसीडर कर लो, बाकी दिमाग मत लड़ाओ, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है? और दूसरा हो जाएगा स्पीड ऑफ बस बी वाई। मीन्स स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया एक्स। स्पीड ऑफ बस क्या हो गया, स्पीड ऑफ बस हो गया वाई। अब आगे बात करता हूं उसके ट्रैवल की। तो रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। Means, उसका टोटल घर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 किलोमीटर। क्या नाम है? रूही। सो टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर। मीन्स भाई 300 किलोमीटर उसका घर का टोटल डिस्टेंस है। ये बात यहां पर खत्म हो गई है। उसके बाद पहली कंडीशन, She takes 4 hours, 4 घंटे लगते हैं। If she travels 60 किलोमीटर by train and remaining by bus, तो देखो according to first condition, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 किलोमीटर by train, तो ये हो जाएगा 60 upon x, बचा 240 upon y is equal to 4। बहुत जबरा बाउंसर मारा ना, कुछ समझ में नहीं आया होगा, एकदम बाउंस मार दिया, मुझे पता है। बताता हूं क्या किया मैंने यहां पर। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था जो हमारे को पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हालांकि एस मैंने पढ़ा है साइंस, ऐसा नहीं मैं पढ़ चुका हूं, एस इसका सिंबॉल है, लेकिन अभी इतना कंफ्यूज ना करने के लिए मैंने रखा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड की। तो देखो डिस्टेंस कितना है, 60। स्पीड कितनी है, स्पीड है x, प्लस बचा हुआ डिस्टेंस किससे कवर हो रहा है, बस से। तो 300 में से 60 माइनस करो तो 240, मतलब बचा 240 किससे कवर हुआ, बस से। तो 240 अपॉन y इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा है, 4 घंटे। क्वेश्चन ध्यान में रखो, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, ठीक है, और लिखते भी जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है? नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। तो भाई दूसरी कंडीशन में ऐसा दिया हुआ है कि 100 किलोमीटर वो ट्रेन से गई है, लगा दो 100, तो बचा कितना, बचा 200 गई बस से। टाइम लग रहा है 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लग गए किस में, 4 घंटा प्लस 10 मिनट हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, तो मिनट्स आवर्स के साथ प्लस नहीं होता है, कन्वर्ट करो, तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। 4 घंटा 10 मिनट बोला था, लेकिन
मिनट्स जो है वो प्लस नहीं हो सकती आवर्स के साथ, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 60, इतना हो गया। बात करते हैं आगे, तो ये देखो जीरो जीरो कट, तो ये आ जाएगा 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 24 प्लस 1 अपॉन 6। भैया एलसीएम लिया है 6 4 24 1 1 1 6 1 6, तो अराउंड 25 अपॉन 6 मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1200 देखो यहां गलती फिर से, और इज इक्वल टू 25। सर क्या किया ये, अरे भाई यहां देखो हमारे पास, सॉरी यहां पर मैंने एक गलती की, ये x यहां आना चाहिए, ध्यान रखो बच्चों, ये y नीचे आना चाहिए, ठीक है नीचे रखना, यहां मैं ऊपर लिख गया गलती से, बाजू में लिखोगे तो बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, यहां पर नीचे लिख दो, ठीक है ओके हो गई बात खत्म। मैंने गलती से यहां पर ऊपर लिखा था, आप नीचे लिख देना, गलती मत करना एग्जाम में, देखो पता नहीं चलेगा तो बहुत गलती बड़ी हो जाती है, तो ध्यान रखे बाजू में लिखना मतलब मल्टीप्लाई होता है, नीचे लिखना मतलब डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई चीजें बढ़ा देता है, डिवाइड चीजें घटाता है, तो ध्यान रखे। तो अभी यहां पर देखो अब बन गई, ये क्या बन गई, रिड्यूसेबल फॉर्म बन गई, रिड्यूसेबल फॉर्म बन गई, तो कन्वर्ट मांगेगा, करते हैं कन्वर्ट करते हैं, तो लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a, 1 अपॉन y इज इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, तो 600a 1200b इज इक्वल टू 25। एक इक्वेशन दो इक्वेशन बराबर है, कंप्लीट है। तो देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सीधा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 60 × 10 = 600 होगा, तो आराम से कैंसिल कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, तो ये हो जाएगा 600a प्लस 2400b इज इक्वल टू 40। फिर ये हो जाएगा 600a प्लस 1200b, सेकेंड वाले को तो कुछ किया नहीं है, इज इक्वल टू 25। साइन चेंज करनी है इसलिए यहां पर क्या लिखो, सब्ट्रैक्ट देम, प्लस का माइनस, 600 600 कट, चौबीस में से 1200 जाएगा कितना बचेगा 1200b, 40 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 15, तो b इज इक्वल टू 15 अपॉन 1200, 15 × 15 = 120 और एक जीरो बच जाएगा, तो b आ जाएगा 1/80, अब बात करते हैं कि भाई b इज इक्वल टू 1/80 आया है तो उसको कोई एक इक्वेशन में रखना पड़ेगा, किसमें रखोगे, तो भाई जो आपको ठीक लगता है इसमें चले जाओ, फर्स्ट वाले में इजी रहेगा कैंसलेशन में। सो पुट b इज इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 1, तो 60a प्लस 240 इज इक्वल टू 4। 0 0 कट, 8 1 8 3 तो 60a इज इक्वल टू 4 प्लस 3 है, डायरेक्ट कर रहा हूं माइनस 3, तो a इज इक्वल टू 1/60। ए कितना आ गया, ए आ गया 1/60। ए चाहिए नहीं बच्चों, ए तो नहीं चाहिए,
एक्स और वाई चाहिए, इजी है, पहले इसको कॉपी डाउन करो, फिर मैं इसको रब करके आपको एक्स और वाई बताता हूं। आगे आंसर ज्यादा लंबा नहीं है। तो देखो हमारे पास ए आ गया 1/60, बी आ गया है 1/80, तो 1/x इज इक्वल टू ए, तो 1/x इज इक्वल टू 1/60, तो x आ जाएगा 60। घुमा दो दोनों को, वो बढ़िया टेक्निक है। फिर बात करते हैं 1/y इज इक्वल टू 1/80, पहले b लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सम कैसे करे और कहां से करे। 80 तो y हो जाएगा 80, बराबर। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 60, y 80। आप लोग बोलोगे सर क्या मामू घुमा रहे हो, है ना, ट्रेन की स्पीड कम आ गई और बस की स्पीड ज्यादा आ गई, जो है सो है, बुक में दिया है, क्या करूं, बुक में ऐसा ही है कि ट्रेन की स्पीड होगी, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन बस स्पीड में चल रही है, ट्रेन कम स्पीड में चल रही है, बढ़िया है, चलने दो, कोई बात नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है, हमारा सम करेक्ट आया, बात खत्म हुई। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सम में कोई ज्यादा धाड़ नहीं मानने की थी, बहुत ही इजी सम था। अभी भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करो। टीचिंग अच्छा लगा है लाइक करो, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।